Why soy is bad for male body? दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सोए प्रोटीन के बारे में और कुछ उससे जुड़ी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को पता नहीं है, और क्यों सोया प्रोटीन इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए, क्यों सालाना सोया प्रोटीन पर 150 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, और क्यों सोया फूड जो है वो डॉक्टर्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए इतना हॉट टॉपिक है। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से सोया प्रोटीन के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है जिसको लेकर आपके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि क्या सोया प्रोटीन से मैन बूब्स का खतरा है, क्या सोया प्रोटीन मेल बॉडी के लिए सही है, क्या सोया प्रोटीन फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बन सकता है, क्या सोया प्रोटीन कंज्यूम करने से सेक्स ड्राइव्स रिड्यूस होती है। नंबर वन, सोयाबीन बेसिकली बनता है आइसोफ्लेवोन्स से, जो कि ह्यूमन डाइट में फाइटो एस्ट्रोजन का सोर्स माना जाता है। नाउ एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि फीमेल बॉडी में पाया जाता है, जिसका काम सेक्सुअल रिडेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को रेगुलेट करना है। मेल बॉडी में भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। नाउ एस्ट्रोजन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर जो न्यूक्ली है उसमें ट्रैवल करके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। नाउ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सम सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी दैट लुक लाइक एस्ट्रोजन कैन एक्टिवेट इट टू। यस, यही वो पॉइंट है जहाँ पे सोए का पूरा पिक्चर इंटरेस्टिंग होता है गाइज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोए फाइटोएस्ट्रोजन का बहुत ही बड़ा सोर्स है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है और जिसे आइसोफ्लेवोन्स भी कहते हैं। अब ये फाइटोएस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर बेसिकली एस्ट्रोजन के एकदम मिलता जुलता है, सो फाइटोएस्ट्रोजन ही एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, फिर चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी। अब ये आइसोफ्लेवोन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल जो हार्मोनिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करता है, उसमें इंटरफेयर करके। नाउ ये पूरा एक्शन एस्ट्रोजन एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ सोए के अंदर जो आइसोफ्लेवोन्स है उन्होंने एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया है। नाउ इस तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन का भारी मात्रा में एक्टिवेट होना या बढ़ना खतरे की घंटी बन सकता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसे हार्मोन डिस्टर्बेंस होने से या एस्ट्रोजन लेवल के ऐसे इंक्रीज होने से ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, तो आइए समझते हैं ये बात नेक्स्ट पॉइंट में। नंबर टू, आइए पहले बात कर लेते हैं मेल बॉडी की, मेरे भाइयों की पहले बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होने के कारण मेल बॉडी का जो मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो पैरेलली डिक्रीज होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा। नाउ टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मर्द को मर्द बनाता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल के डिक्रीज होने के कारण मेल बॉडी में जो सेक्स ड्राइव्स है वो भी कम होगी, पैरेलली जो सेक्स का डिज़ायर है वो भी कम होता जाएगा, उसके साथ साथ मसल मास एंड स्ट्रेंथ के गोल्स भी कम होंगे और उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगा, जी हाँ, और ऑल्सो एक्सपीरियंस इश्यूज विद देयर फर्टिलिटी लेवल्स। बहुत सारी स्टडीज़ ये रिजल्ट शो करती है कि सोए आइसोफ्लेवोन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेस्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कि मेल बॉडी के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है, बिकॉज ऑफ मैन बूब्स का खतरा है। अभी आप सोचेंगे कि फीमेल बॉडी के लिए भी एस्ट्रोजन लेवल का इंक्रीज होना अच्छी बात है, जी बिल्कुल, एक हद तक या फिर कह लें एक लिमिट तक ये ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर भी एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडरेशन के बाहर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर को न्योता दे सकता है। हालांकि इस टॉपिक पे अभी स्टडीज़ चल रही है कि फीमेल बॉडी में सोया का इफ़ेक्ट एग्जैक्टली किस तरह से होगा और उनके लिए भी पैरामीटर्स तय हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि किसको कितना सोया प्रोटीन डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करना चाहिए, किस फॉर्म में। तो चलिए थोड़ा मैथ्स लगाते हैं, करते हैं ब्रेक डाउन सोए के मैक्रोस को। आइए देखते हैं, सपोज़ हमारे पास 100 ग्राम रोज सोयाबीन है तो उसके अंदर 446 किलो कैलोरीज है, 20 ग्राम्स ऑफ फैट है, 30 ग्राम कार्ब्स है एंड 36 ग्राम प्रोटीन है। बात करते हैं सोया चंक्स की, वो भी सेम अमाउंट, अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स है उसमें 345 किलो कैलोरीज है,
0.5 ग्राम टोटल फैट है जो कि ना के बराबर है, कार्बोहाइड्रेट्स 33 ग्राम्स, प्रोटीन है 52 ग्राम्स। जी हाँ, नाउ आइए ये मैथ्स को थोड़ा डीपली समझते हैं, पूरा कैलकुलेशन कैसे क्या करना है। एक ग्राम सोए प्रोटीन में 3 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन्स है, जो कि अभी हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स है इज़ इक्वल टू 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नाउ 52 ग्राम इंटू 3 इज़ इक्वल टू 156 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन्स। इफ़ यू आर अ 60 केजी गाय, सो 156 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2.6 मिलीग्राम पर केजी। नाउ अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्च वर्क्स, ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोनल चेंजेस के लिए आपको 20 मिलीग्राम पर केजी आइसोफ्लेवोन्स कंज्यूम करना पड़ेगा। नाउ फॉर 60 केजी बंदे के लिए 60 इंटू 20 इज इक्वल टू 1200 मिलीग्राम्स। नाउ 1200 मिलीग्राम्स इज गॉट फ्रॉम 400 ग्राम्स ऑफ सोए प्रोटीन। अभी आपको 400 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको एटलीस्ट 750 से 800 ग्राम सोया चंक्स कंज्यूम करना पड़ेगा एवरी डे। और अगर आप इतना ज़्यादा अमाउंट में सोया चंक्स खाओगे तभी जाके आपको मैन बूब्स का खतरा है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी, लड़के 30 से 40 ग्राम सोया प्रोटीन डे टू डे लाइफ में इजीली बिना कोई टेंशन लिए कंज्यूम कर सकते हैं, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। लड़कियों की बात करें तो जी हाँ, वो भी इतना या तो फिर इससे ज़्यादा लेकिन मॉडरेट अमाउंट में एक लिमिट में रह के कंज्यूम करें तो भी उनको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एनीवेज बाय द वे, वो केयर्स एंड केडी सेज दैट अगर आप मेल हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो गाइस थम्स अप, आप बिल्कुल बिना कोई टेंशन लिए अपनी गर्लफ्रेंड को सोए प्रोटीन सप्लीमेंट गिफ्ट दे सकते हो यार, बिकॉज उनकी बॉडी भी शेप में रहेगी, वो भी खुश, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप भी खुश और मैं तो यहाँ ऐसे ही खुश। So this is from my side. Hope you guys like my face, my hairstyle, my voice, and of course my video. So please subscribe my channel to get more amazing videos. And of course comment your questions and suggestions down below. This is your friend KD, over and out.